दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मेरा वीडियो देख रहे थे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज आपको हम SMPS बैटरी चार्जर के बारे में बताएंगे। आप देख सकते हैं ये बैटरी चार्जर SMPS 12 वोल्ट 4 एम्पीयर का है। तो वाइड वर्किंग जो वोल्टेज है वो आप 120 वोल्ट से लेकर 180 वोल्ट तक भी ये वर्क करता है, यानी कि 180 वोल्ट में भी ये काम करेगा और 220-240 तक भी ये काम करेगा। मतलब इसका मिनिमम वोल्टेज 120 वोल्ट से ये काम करेगी। सिर्फ फीचर है इसमें प्योर डीसी इसकी इनपुट है, यानी कि इसकी जो आउटपुट मिलेगी बैटरी को वो प्योर डीसी मिलेगी और ओवरचार्ज प्रोटेक्शन भी है, बैटरी को ओवरचार्ज नहीं करेगा ये। यहाँ पे देख सकते हैं मल्टी कलर इंडिकेशन है, देख सकते हैं यानी कि दो इसमें LED आपको मिल जाएगी और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है। अगर मान लीजिए नेगेटिव पॉजिटिव आपस में ये शॉर्ट हो जाएगी उस पीरियड में भी आपका जो है ये खराब नहीं होगी। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसको हम बाहर निकाल दिए, कुछ ऐसा लुक्स ऐसा है देख सकते हैं। यहाँ पे मेंस के लिए LED दिया गया है, यहाँ पे बैटरी चार्जिंग के लिए दिया गया है। जब ये फुल चार्ज हो जाएगी तो ये आपका जो है इंडिकेशन करेगा। दोस्तों एक बार हम लोग इसको लगा के देख लेते हैं मेंस में ये किस तरह वर्क करती है। हम इसमें मेंस दे दिए, यहाँ पे स्विच देख सकते हैं, ऑन ऑफ के लिए स्विच है, चालू बंद कर सकते हैं। ये कैपेसिटर चार्ज होने की वजह से जो है आपका ये चल रहा है। और हम लोग इसमें पॉजिटिव लगा देते हैं, पॉजिटिव में यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दे देते हैं। इंडिकेशन ये कर रहा है, यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है। हम लोग अब इसमें मेन सप्लाई, यहाँ पे मेन सप्लाई दे देंगे हम लोग मेन। यहाँ पे जब बैटरी जब चार्ज होगी उस पीरियड में ये कम जलेगा, जैसे फुल होगी तो ये आपका जो है ग्लो कर जाएगा। तो ये जो है बैटरी चार्जर है 4 एम्पियर की है। तो दोस्तों इसकी इंटरनल की कौन सी PCB है? तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इंटरनल इसकी PCB ये है, यहाँ पे SMPS फुली SMPS ये चार्जर है। यहाँ पे एक प्रीसेट दिया गया है जो कि ये वोल्टेज को आप वेरिएशन कर सकते हैं इसकी आउटपुट को। और ये ट्रांसफार्मर जो है 4 एम्पीयर का है 12 वोल्ट में। तो इंटरनल ये PCB है और ये जो है बहुत अच्छी तरह चार्ज करता है, ये प्योर डीसी में चार्ज करता है और जल्दी बैटरी को रिकवरी कर लेता है। तो दोस्तों अगर आपको ये चार्जर चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आपको चार्जर ये मिल जाएगी।